बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील मलिक, साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के ताहियात कायद। मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारियां अरूज पर पहुंच चुकी हैं और अगर मैं ये आपको कहूं कि मियां नवाज शरीफ जो हैं वो बहुत जल्द वतन वापस आ रहे हैं तो ये गलत नहीं होगा, बल्कि मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी की राह हमवार कर दी गई है और वो क्या कहते हैं ना, रिहर्सल जो है वो भी कंप्लीट, तकरीबन कंप्लीट होने जा रही है। इससे पहले इसहाक डार वापस आ चुके हैं और उन्हें अदालत से रिलीफ मिला था। उसके बाद अब सलमान शहबाज जो कि मौजूदा वज़ीर आज़म के साहबजादे हैं, आपके इलम में है कि उनके ख़िलाफ़ नैब अदालत में मामला चल रहे थे, फिर उसके बाद वो लंदन चले गए और उन्हें अदालत ने इश्तिहारी करार दिया था। अब उनकी वतन वापसी होने जा रही है, वो उनकी वापसी का फ़ैसला हो चुका है, नवाज शरीफ ने इस फैसले की मंजूरी दे दी है, वो वतन वापस आ रहे हैं, अदालतों को फेस करेंगे और अदालत से बुरी रिलीफ लेने के लिए उन्होंने जो है वो कानूनी चाराजोई भी कर ली है ताकि अदालत से उनको जो है वो कबल वो बुरी जो रिलीफ है यानी कि जमानत कबल गिरफ्तारी जो है ये हासिल करेंगे, फिर उसके बाद अदालत के सामने पेश होंगे और वो इस दरख्वास्त में ये कह चुके हैं कि वो अपनी बेगुनाही के सबूत अदालत के सामने रखेंगे, चूँकि सबका दौरे हुकूमत में उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा था। तो इसके बाद जो अगला स्टेप होगा वो मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी है, जिसके लिए भी एक जो दरख्वास्त है वो तैयार कर ली गई है, जिसके लिए अदालत से रजू किया जाएगा और उसमें तमाम जो सबका अदवार के हालात तो वाक़ात हैं वो अदालत के सामने रखे जाएंगे। जिस तरह मियां नवाज शरीफ को सज़ा दी गई और बग़ैर किसी सबूत के उनके खिलाफ ये सारा मामला चलता रहा, इसी तरह जज जो अरशद मलिक थे उनका जो बयान आया था, वीडियो बयान, उसके तनाजुर में और दीगर जो शवाहिद हैं, इन तमाम के तनाजुर में जो है अदालत के सामने एक दरख्वास्त रखी जाएगी और ये इस्तदा रखी जाएगी कि मियां नवाज शरीफ के जो फ़ैसला है इसका असर नो जायज़ा लिया जाए ताकि मियां नवाज शरीफ वापस आएँ। और इसके साथ मैं आपको एक और भी बात बता दूँ कि मियां नवाज शरीफ को रिलीफ देने के लिए जो प्ली ली जाएगी उनके लिए जो कोशिश की जाएगी वो फैसल वाडा केस है। फैसल वाडा केस में सुप्रीम कोर्ट ये डिसीजन दे चुकी है कि उनकी जो नाअहली है वो 5 साल के लिए होगी, तो अगर 5 साल के लिए इसी कानून जिस कानून के तहत मियां नवाज शरीफ को सजा हुई, अगर उन्हें 5 साल के लिए नाअहल होंगे तो फिर अल्टीमेटली इसका फ़ायदा जो है मियां नवाज शरीफ को भी मिलेगा, क्योंकि इसी कानून के तहत उन्हें भी सजा मिली है और मियां नवाज शरीफ के बाद जहांगीर तरीन को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। और मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी जो है उसके लिए मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जो कह चुके हैं, सरदार याज सादिक ने भी कहा, दीगर ने भी कहा है कि मियां नवाज शरीफ जो है वो अगले माह यानी कि जनवरी तक जो है वो पाकिस्तान आ जाएंगे। कुछ ने तो कहा कि 25 दिसंबर तक वो पाकिस्तान में होंगे, तो इसका मतलब है कि अगले साल के शुरू में मियां नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं और वतन वापस आने के बाद वो सियासत में अपना एक मुतहर्रिक किरदार अदा करेंगे और अप्रैल में होने वाले जो बलदियाती इंतखाबात हैं उसमें मियां नवाज शरीफ एक वो क्या कहते हैं एक्टिव सियासत में जो है हमें अपना किरदार अदा करते हुए नज़र आएंगे और पार्टी को कमान करते हुए जो है वो भी नज़र आएंगे। अल्लाह हाफिज़।